दिस इज स्टाइल विद साहिबा। आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट भी नहीं है, मीन्स नॉर्मल मेकअप वीडियो होने वाली है, बट इसमें जो हम आई शेडो का यूज करेंगे उसके लिए थोड़ी डिफरेंट टेक्निक यूज की है मैंने। तो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ पहले बोल दिया ना, क्योंकि क्या पता लास्ट में टाइम मिले या ना मिले, वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो जाए। इस वजह से मैंने जो था अपना बेस मेकअप वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ पहले ही, और जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जो मैंने अपने फेस पर लगाया है इसमें मैंने फाउंडेशन यूज नहीं किया है सेम, और इसमें मैंने अपना बीबी क्रीम का यूज किया है, जो कि हमारी ये मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज की है, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। और एज अ कंसीलर भी मैंने इसी को ही अप्लाई किया है, ज्यादा हैवी मेकअप नहीं किया, जो कि मेरा फेस थोड़ा पैचे टाइप ना लगे। और इसमें जो लुक होने वाला है वो थोड़ा मतलब ब्लू आईज टाइप होने वाला है, और इसी वजह से मैंने अपने जो कुर्ता पहना है वो भी ब्लू कलर का है, देन सेम इयररिंग्स, ताकि जो लुक है वो आपका पूरा मतलब अच्छा लगे क्रिएट होने के बाद और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। इस वजह से ही मैंने पहले ही अपना बेस मेकअप रेडी कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि मैं इस आई शेडो के लिए जो अपनी आईज पर अप्लाई करूंगी वो थोड़ा सीक्रेट है। अब अगर आपको मैं अभी बता दूंगी तो आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना, इसलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपनी। चलिए देखते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप ही, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पैलेट, आई शेडो पैलेट। उसमें से एक मैट कलर लेके और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ब्राउन शेड लगाऊंगी अपने एज अ ट्रांजिशन कलर अपनी आईज के ऊपर, अपनी जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर मैं ये ब्राउन कलर अप्लाई करूंगी। जो अपना एक्सेस है वो रिमूव करके देन हम ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो खुद ब्राउन शेड ही कुछ इस तरीके का लगेगा। सेकेंड आई में भी हम सेम ट्रांजिशन कलर अप्लाई करेंगे। ब्राउन शेड हम अपनी क्रीज के ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल क्रीज लाइन जो है उसके नीचे नहीं आना है, ऊपर अपने अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी है। अपनी दोनों आईज पे सेम इक्वल क्वांटिटी में आपको ये शेड अप्लाई करना है एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। दोनों आईज में ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लुक देगा। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे जिसके बारे में बात कर रही थी कि उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, डिफरेंट तरीका यूज करने वाले हैं आई शेडो अप्लाई करने का। उसके लिए मैं आई शेडो यूज नहीं करूंगी, उसके लिए मैं कुछ और ही अप्लाई करने वाली, कुछ और इन द सेंस आप सोचोगे क्या यूज करने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मैं एक आई लाइनर यूज करूंगी जो की है ब्लू शेड में, इसको मैं एज अ आई शेडो अप्लाई करूंगी। इसको मैं अपनी आईलिड पे एज अ लाइनर की तरह ही अप्लाई करूंगी। देखते हैं ये इसके साथ कैसा लुक आता है। लाइनर को अपनी आईलिड पे आप अच्छे से प्लेस कर लो। देन सेकेंड आईज में भी मैं सेम लाइनर यूज करूंगी एज अ आई शेडो अपनी आईलिड पे। अपने दोनों आईज में लाइनर लगाने के बाद उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि मैं यहाँ पे अपने जो क्रीज लाइन और जो मैंने लाइनर लगाया है एक हार्श लाइन बन गई है, उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू शेड का यूज करूंगी अपने पैलेट में से। इसमें से मैं ये ब्लू शेड लूंगी और इसको जो है अपनी आईज पे अप्लाई कर दूंगी, ताकि जो आपकी हार्श लाइन है वो आपकी ज्यादा ना दिखे और आपका जो लुक है वो काफी अच्छा दिखे। इसके बाद सेकेंड आईज में भी सेम अप्लाई कर दूंगी ये शेड।
अपनी लोअर लैशेस पे भी ब्लू शेड लेके अप्लाई कर देंगे थोड़ा थोड़ा। देन सेकंड आईज में भी मैं सेम आई शेडो लगा दूंगी। उसके बाद मैं अपना मेबेलिन का मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा अप्लाई करने के बाद उसके बाद मैं ब्लश यूज करूंगी अपने चीक्स पे। ब्लश अप्लाई करने के बाद अपने इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट करूंगी। इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के बाद मैं अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी। देन उसके बाद अपने फिंगर की हेल्प से अपनी नोज पे हाईलाइट कर लूंगी, अपनी नोज हाईलाइट कर लूंगी, टिप ऑफ द नोज एंड अपर लिप्स, लोअर लिप्स पे भी थोड़ा, अपने चिन पे, देन फोरहेड पे। मैं ब्रश की हेल्प से नहीं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ज्यादा हो जाएगा, हमने ग्लिटरी मेकअप किया है तो ज्यादा हाइलाइटर आपके फेस पे अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स वाई। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी न्यूड शेड, और जो कि हमारा आईज मेकअप है उस पर बिल्कुल परफेक्ट मैच होगा बिकॉज जो हमारी आईज है वो थोड़ी ग्लिटरी आईज हो गई है, मीन्स ग्लिटर शेड में है, तो इसीलिए हम अपने यहाँ पे न्यूड शेड अप्लाई करेंगे। देन मैं अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है गाइस, दिस इज द फाइनल लुक। और मैंने साथ में ज्वेलरी भी अपनी वेयर कर ली है और मैंने चुन्नी भी ली है जो सूट के साथ ही है, ब्लू चुन्नी, और ये हमारा फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना स्टाइल विद साहिबा, पास ही में बेल आइकन आपको दिखाई देगा उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जो भी वीडियोस अपनी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, मुझे बताना जरूर ये लुक आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।